Hey guys, welcome back to my channel. आज का वीडियो is all about कि क्या बच्चों को माउथवॉश यूज करना चाहिए. Well, मार्केट में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सारे माउथवॉशेस के ब्रांड्स अब स्पेसिफिकली बच्चों के लिए भी माउथवॉश बना रहे हैं. एंड वो ऐसे मार्केट करते हैं कि हर बार आपको माउथवॉश बच्चों के लिए भी यूज करना चाहिए. पर बच्चों को माउथवॉश यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर वो बहुत छोटे हों. एंड दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इज़ दैट इन ओनली स्पेसिफिक सिनेरियोस, दैट इज़ वो कौन से हैं, दैट इज़ आई वुड पुट इट एज़ कि कौन से सिनेरियोस में आपको बच्चों को माउथवॉश यूज़ करवाना स्टार्ट करना चाहिए. नाउ स्टार्टिंग विद कि जो प्रिकॉशंस और जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इज फर्स्ट दैट बिना किसी डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के प्लीज़ अपने बच्चे को माउथवॉश ना यूज़ करवाएं. दूसरी चीज़, बहुत माउथवॉशेस में अल्कोहल होता है तो वो ध्यान दें कि अल्कोहल बेस्ड वाला माउथवॉश ना उठाएं अपने बच्चे के लिए. वेल, अगर आप डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ही चल रहे हैं तो वो ये चीज़ों का ध्यान देंगे एंड वो आपको अल्कोहल बेस्ड माउथवॉश आपके बेबी के लिए नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे. तीसरी एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़ 6 साल से कम बच्चों को माउथवॉश ना यूज़ करवाएं क्योंकि वो उनके लिए अनसेफ है. और अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल के बीच में है तो हमेशा आपकी सुपरविजन के अंडर ही उसको यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बाय चांस उसने स्वॉलो कर लिया तो वो हानिकारक हो सकता है. नाउ 3 सिचुएशंस जिसमें आपका बच्चा माउथवॉश से बेनिफिट करेगा इस पहला, जब वो बहुत ज़्यादा कैविटी प्रोन हो, दूसरा जब उसको ब्रेसेस लगे हों, एंड तीसरा जब उसको मसूड़ों की बहुत समस्या हो. वेल, मसूड़ों की समस्या का प्रॉब्लम तो एक ही होता है कि जब वो प्रॉपरली ब्रश ना करें तो वो सिचुएशन तो सॉल्व हो जाती है. एंड अगर कैविटी प्रोन है तो डेफिनेटली आप फ्लोराइड से उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, उसके डाइट को चेंज कर सकते हैं. बट जैसे कि ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट है तो उसमें माउथवॉश के बहुत फ़ायदे होते हैं. तो अगर आपका डेंटिस्ट उस टाइम पे आपको प्रिस्क्राइब करे आपके बच्चे के लिए जब ब्रेसेस लग रहे हैं तो उसको प्रॉपरली फॉलो करें एंड ध्यान दें कि वो बच्चा आपकी सुपरविजन के अलावा माउथवॉश ना यूज़ करे. तो माउथवॉश की बॉटल हमेशा उसके रीच से दूर होनी चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आपकी फैमिली में इसकी वजह से ना अराइज हो. मैं हूँ डॉक्टर सुरभि वाधवानी, फाउंडर एंड ऑपरेटिंग डेंटिस्ट एट टूथ फेयरी डेंटल क्लिनिक इंदौर. टिल वी मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी.